राम राम। सुंदरकांड की ये कथा अब दोहा 51 से आगे बढ़ेगी। आप सभी लोगों को मैं अभी तक सुना चुका हूं कि किस प्रकार से प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण की सलाह पर जा रहे हैं, अब पहुंचे हैं समुद्र तट के किनारे और वो समुद्र से इस बात की प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें मार्ग दें या कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सारी वानर सेना इस 100 योजन समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच सके। और जब भगवान पहुंच जाते हैं, जब वो ध्यान में मग्न हैं, तो उसी समय रावण के भेजे हुए दूत कपि के वेश में, वानरों के वेश में पूरी सेना के अंदर घुल मिल जाते हैं और वो भगवान राम को और उनकी सेना को देखते हैं और हृदय में ही वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार के गुणों को देख करके उनके मन में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होने लगता है। उसके आगे क्या होता है सुनिए। प्रकट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो स्वभाव है, जो निर्मल हृदय है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहीं आने। उन्हें अपना, अब जब भगवान के सामने, जब भगवान श्री रामचंद्र जी के सम्मुख हैं, तो आप अपना कपट छल छिद्र सब भूल जाते हैं और यही कारण है कि उनके हृदय इतने निर्मल हो गए हैं, स्वभाव इतने अच्छे हो गए हैं कि वो दूत अपने स्वभाव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। और जब वो वास्तविक रूप में आ जाते हैं, तब वानर ये जान जाते हैं कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांध करके सुग्रीव के सम्मुख लेकर के जाते हैं। देखिए कि जिस विचार से वो यहां पर आए थे, वो हालचाल, वो भेद जानने के लिए आए थे, परंतु प्रभु के दर्शन मात्र से उनके मन का सारा मैल धुल गया है। कहे सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग बंग कर पठवहु निश्चर। और जब वो सुग्रीव के सम्मुख लाए जाते हैं तो सुग्रीव कहते हैं कि हे वानर वीरों, इन राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। दूत हैं तो मार तो सकते नहीं है, दूत भी नहीं है वो, तो गुप्तचर हैं, लेकिन फिर भी ये रामचंद्र जी की सेना है, इसलिए वो कहते हैं कि इन्हें मारना नहीं है, इनके अंग भंग करके भेज दो। क्यों सुन, फिर आगे क्या होता है। सुन सुग्रीव बचन कपि धाए, बांध कटक चहु पास फिराए। और सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना की चारों ओर घुमाया। अब दूतों की यात्रा निकाली जा रही है, उन्हें बांध करके मारा जा रहा है, क्योंकि अब वो सेना का भेद जो जानने आए थे और पकड़े गए हैं तो सजा तो मिलनी ही थी। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपिन त्यागे। वानर उन्हें बहुत प्रकार से मारने लगे, अब बंदी बनाए हैं और मार पड़ रही है। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें छोड़ा नहीं। और तब दूतों ने पुकार करके क्या कहा, जो हमार हर नासा काना, ते कोसलाधीश के आना। वो कहते हैं कि जो हमारे नाक कान काटेगा यानी अंग भंग करेगा, उसे कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। अब जब उन्होंने देख लिया कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, ये वानर हमारे अंग भंग कर देंगे, हमारे नाक कान काट लेंगे, क्योंकि बहुत प्रकार से वो मारे जा रहे हैं, तब उनको केवल एक ही उपाय सूझा और उन्होंने कोसलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की सौगंध उन्हें दे दी। कहा जो कोई भी हमारे नाक कान काटेगा या हमारे अंग भंग करेगा, उसे कोसलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंस तुरत छुड़ाए। और ये सुन करके लक्ष्मण जी ने सबको अपने निकट बुलाया।
और उन्हें बड़ी दया लगी क्योंकि उनको बहुत मार पड़ चुकी थी। वो उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी को उनके ऊपर बहुत दया आई और हंस करके उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छोड़ दिया, क्योंकि वो भी तो कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुज हैं। उनके मन में भी तो उसी प्रकार की दया की भावना उमड़ती है। तो उन्होंने उनको दया आई और उन्होंने लक्ष्मण जी ने इन राक्षस गुप्तचरों को छोड़ दिया। और क्या कहा आगे, रावण कर दी जो यह पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। और कहते हैं कि रावण के हाथ में एक चिट्ठी दे देना, ये पत्र दे देना और कहना कि हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बांचो, लक्ष्मण के शब्दों को पढ़ो सुनो। कुल घातक क्यों कहा? क्योंकि रावण अपने एक कृत्य से समस्त कुल को नष्ट कर देने वाला है। पूरे कुल का विनाश रावण के इस कृत्य से हो जाना है। कई बार ऐसा ही होता है, आप बहुत सारा कीर्ति यश जमा करते हैं, आपके पुरखे आपके परिवार के अन्य लोग बड़ी ही मेहनत से अपने परिवार की यश और कीर्ति बढ़ाते हैं और कोई ऐसी घटना, कोई व्यक्ति किसी कोई ऐसा एक अधम कार्य कर जाता है जिससे पूरे परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। और रावण ने इससे भी बड़ा काम किया है। कहो मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता देहि मिलहिनत आवा काल तुम्हार। और लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, उनको चिट्ठी देते हुए, वो जो गुप्तचर पकड़े गए हैं उनको चिट्ठी देते हुए एक संदेश कहते हैं रावण के लिए कि उस मूर्ख से जबानी ये मेरा कृपा से भरा हुआ संदेश कह देना कि सीता जी को देकर उनसे यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिल लो, नहीं तो ये समझ लो कि तुम्हारा काल आ गया है। यानी इस पत्र को एक सुझाव भी समझो, एक उपाय भी समझो और एक चेतावनी भी समझ सकते हो कि यदि तुम सीता जी को वापस करके भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में आ जाते हो तब तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, ऐसा ही तुम समझ लो। तो यहां पर सुंदरकांड का दोहा 52 संपन्न होता है। अब सुंदरकांड में 8 ही दोहे और बचे हैं, यानी 8 और दिन। और मेरा एक ये प्रयास इन 8 दिनों के उपरांत पूर्ण हो जाएगा। आशा है कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये प्रयास। तो आप आगे की कथा आपको फिर सुनाऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।